नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जल्दी ही आप लोगों के बीच में एक बार फिर से रवि दुबे और निया शर्मा फिर से कमबैक कर रही हैं, क्योंकि काफी लंबे समय से लोग रवि दुबे और निया शर्मा का इंतजार देख रहे थे। आपको ये जानकर काफी खुशी हो रही होगी कि जमाई राजा एक्टर यानी रवि दुबे इस चीज को लेकर काफी टाइम से एक्साइटेड थे कि जल्दी ही उनका एक बार फिर से प्रोजेक्ट जो कि जमाई राजा सीजन 2 आपको वेब सीरीज में देखने को मिला था। अब बचे हुए एपिसोड की अगर बात की जाए तो बचे हुए एपिसोड भी आप लोगों के बीच में कमबैक करना चाहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं काफी टाइम से रवि दुबे और निया शर्मा इस स्क्रिप्ट पर काम कर रहे थे। आपने G5 पर लास्ट टाइम देखा था कि रवि दुबे और निया शर्मा ने 10 एपिसोड कंप्लीट कर लिए, लेकिन जल्दी ही आपको G5 पर एक बार फिर से GTV का सबसे पॉपुलर और सबसे हिट सीरियल में से गिने जाने वाला सीरियल जमाई राजा सीजन 3 नहीं बल्कि सीजन 2 में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि 11वें एपिसोड से स्टार्ट होने जा रहे हैं जो कि आप लोगों के बीच में G5 पर ही देखने को मिलेंगे। लेकिन आपने देखा था पिछली बार कि आपको पैसे में देखने को मिले थे, लेकिन इस बार की अगर बात की जाए तो जल्दी ही आप लोगों के बीच में एक बार फिर से फ्री में देखने को मिलेंगे, क्योंकि 11वां एपिसोड आपको फ्री में ही देखने को मिलेंगे। साथ ही अगर कलाकारों की बात की जाए तो टेलीविजन की सबसे अच्छी कलाकार में से गिने जाने वाली कलाकार अचिती कौर, जो कि काफी अच्छी लेडीज है और कहीं ना कहीं काफी टाइम से टेलीविजन पर अपना एक सिक्का जमाया हुआ है, और जल्दी ही आप लोगों के बीच में एक बार फिर से दुर्गा देवी पटेल के किरदार निभाती नजर आएंगी। साथ में संजय स्वराज भी नजर आएंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं बात की जाए पूरी स्टार कास्ट की तो पूरी स्टार कास्ट ही एक्साइटेड है। लगातार मेरे को दोस्तों कमेंट्स आ रहे थे आपके कि क्या जमाई राजा सीजन 2 वापसी करेगा, क्योंकि रवि दुबे ने खुद इस चीज की ऑफिशियल पुष्टि की है कि जल्दी ही वो अपने आने वाले प्रोजेक्ट को लेकर काफी एक्साइटेड भी हैं, और जल्दी ही आप लोगों के बीच में एक बार फिर से अपने ही उसी बॉन्डिंग और उसी अंदाज में नजर आएंगे। क्योंकि अगर निया शर्मा की बात की जाए तो निया शर्मा के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, निया शर्मा को खुद कलर्स टीवी की तरफ से बिग बॉस 14 का सलमान खान द्वारा ऑफर मिला था, जो कि उन्होंने ये ऑफर लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि निया शर्मा को पता है कि जल्दी ही उनको अपकमिंग प्रोजेक्ट जो कि उनकी झोली में आ चुका है, वो प्रोजेक्ट तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि जमाई राजा सीजन 2 के बचे हुए जितने भी एपिसोड हैं वो प्रसारित किए जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं निया शर्मा को एक हफ्ते का ही 3 करोड़ का ऑफर मिला था, जो कि 7 दिन के लिए निया शर्मा को 3 करोड़ रुपए दिए जा रहे थे बिग बॉस की तरफ से, जो कि उन्होंने लेने से मना कर दिया, और जल्दी ही आने वाले अपने प्रोजेक्ट में काफी व्यस्त भी हैं, क्योंकि निया शर्मा ने और रवि दुबे ने इस स्क्रिप्ट की पूरी तैयारी कर ली है। जल्दी ही आपको अगले महीने से ये स्क्रिप्ट देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं अगर अचिती कौर की बात की जाए, जो कि निया शर्मा की मॉम यानी दुर्गा देवी पटेल का किरदार निभा रही थी, अब पूरे स्टार कास्ट पर नजर डाल लेते हैं। पूरे स्टार कास्ट के रूप में अगर देखना चाहेंगे तो दुर्गा देवी पटेल का किरदार निभाया था आप लोगों की फेवरेट अचिती कौर ने, और निया शर्मा ने रोशनी पटेल का किरदार निभाया था उनकी बेटी का, संजय स्वराज की सबसे अच्छी बॉन्डिंग रही थी, और सिद्धू तो आप जानते ही यानी सिद्धार्थ पुराना यानी रवि दुबे इस किरदार को निभा रहे थे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करके बताइए। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल ऑफ यू।